कल हम लोग कौन कौन सा ओवरलैपिंग देखे हैं, एसेस ओवरलैपिंग, राइट। मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, 11th का ऐसे क्वेश्चन देख रहा हूँ आता है, ठीक है, क्योंकि 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का अटैचमेंट थोड़ा बहुत आप होंगे, राइट। तो मुझे लगता है कि 11th का आप करेंगे तो थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। क्या बोलते हैं आप लोग, इसमें दो सिचुएशन होगा, नहीं तो एक तो होगा सर ऐसा एडिशन का, और एक होगा सर सब्ट्रैक्शन का। अगर एडिशन का होता है तो एडिशन में मैंने क्या सिखाया है, एडिशन है प्लस का प्लस के साथ, और नहीं तो माइनस का माइनस के साथ, राइट। ये अगर प्लस है तो प्लस है, प्लस का प्लस के साथ, और माइनस का माइनस के साथ। दोनों सिचुएशन में कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, राइट। एंड इन बोथ सिचुएशन इसका एक कौन लाउड, इसका एक कौन लाउड, एक दूसरे को रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। सर इन बोथ सिचुएशन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और एक दूसरे में मर्ज होगा, नहीं और इस ये जो हम लोग दिखाए हैं वो क्या है, ए लिंक एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाए, राइट। यहां से सिग्मा बॉन्ड बनेगा ड्यू टू एस एंड पी ओवरलैपिंग, राइट स्टूडेंट। और इसका सबका मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, दैट्स व्हाई आप बोले कि हां ये सब पी ओवरलैपिंग कहां होता है। लेकिन साई ए माइनस साई बी के लिए क्या रहेगा सर, साई ए माइनस साई बी के लिए सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा कि अगर इसका प्लस है तो इसके साथ ओवरलैपिंग, चलिए इसका माइनस जाएगा तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगा, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, राइट। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, नोडल प्लेन बन जाएगा, राइट। और यहाँ से जो बनेगा उसको क्या बोलेगा, सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। लिखे पास हो गया एवरीवन, देखिए तो ओवरलैपिंग
का मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ओवरलैपिंग का दो ही तरीका है ना, या तो मॉलिक्यूलर एक्सिस के पैरेलल होगा मोटा मोटी, आने के मॉलिक्यूलर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर वाले को लैटरल बोलते हैं, पैरेलल वाले मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग वाले को एक्सियल बोलते हैं, राइट, या तो सिग्मा नहीं तो पाई, इज इट राइट। तो पीपी ओवरलैपिंग पी और प्योर वाइटल दोनों टाइप का ओवरलैपिंग करता है, एक्सियल भी करता है और लैटरल भी करता है, करेक्ट एवरीवन। तो पहले एक्सियल को एक बार हम लोग एनालाइज कर लेते हैं, ऐसे यहां से आप बता रहा शुरू ही किया समय। तो एक्सियल में ओवरलैपिंग में कंस्ट्रक्टिव के लिए ये जो दो सिचुएशन जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, बोले दिस टू आर द केस ऑफ व्हाट सर, दिस टू आर द केस ऑफ, और ऑब्वियसली ए एटम ए और एटम बी ये है, इसके एक्सिस के मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग हम लोग जा रहे हैं। तो दिस टू आर द केस ऑफ व्हाट सर, दिस टू आर द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, राइट। इसका मतलब ये एविजन ओवरलैपिंग का एग्जांपल रहेगा, और इसमें सर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे में मर्ज होगा, ठीक है ना एवरीवन। और यहां से बनेगा सिग्मा स्टार बन गया, सिग्मा ड्यू टू पीपी ओवरलैपिंग सिग्मा बनेंगे, और इफ सिचुएशन जस्ट लाइक दिस जस्ट उल्टा वाला था, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, इसमें अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा सर, रिपेल करेगा, राइट। अरे यहां पे क्या बन जाएगा नोडल प्लेन, और इसका हम लोग क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार पीपी ओवरलैपिंग, राइट। नीट के बच्चे आप लोग को जो मिडल वाले हैं तो आप लोग 15 फुल टेस्ट भी दूंगा, 15 तो काफी है, हो जाएगा ना 15 फुल टेस्ट में, तो अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन बस तो कोई वेरी ऑनेस्ट ऑनेस्टली आपके पास आंसर भी रहेगा और सॉल्यूशन भी रहेगा, लेकिन सबसे पहले आप खुद से घर पे आपको कोई गाइडिंग नहीं करेगा, तो आपके साथ आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कौन जानता है कि बायो की वजह से आपका हाई स्कोर होना स्टार्ट हो जाए, और बहुत सारे लोग पता नहीं रहता है अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 400+ में जाइएगा तो पक्का मिल जाएगा सीट, एससी कैटेगरी से हैं तो 400 अगले आएगा डैम से सिलेक्शन हो जाएगा, जनरल से है तो 500 तक जाने को चलना पड़ेगा आपको। तो भाई सिलेक्शन का तो सिचुएशन है, जो कैटेगरी से और बायो भी अच्छा कर लेते हैं और थोड़ा सा केमिस्ट्री तभी कर सकते, बायो को बहुत अच्छा होना पड़ेगा, राइट। अब लैटरल ओवरलैपिंग देखते हैं, इस पे 2017-20 के बीच में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते रहिएगा। लैटरल ओवरलैपिंग में नंबर ऑफ नोडल प्लेन का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिए। तो लैटरल ओवरलैपिंग मान लेते हैं कि एटम ए एक का एक इसे मानते हैं एटम ए और एटम बी, तो लैटरल ओवरलैपिंग दोनों एटम के जॉइन करने लाइक पर पेंडिकुलर जाएगा ओवरलैपिंग करने के लिए, मतलब साइड वाले ओवरलैपिंग होगा, साइड बाय ओवरलैपिंग के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहां देखिए अगर साथ में कंबाइन होता है इसका ओवरलैपिंग इसके साथ साइड बाय होता है तो नहीं लगता प्लस का प्लस के साथ होगा और माइनस का माइनस के साथ होगा, बट अगर
ऐसे लेके जाएंगे तो सर ऐसे लेके जाइएगा तो माइनस का प्लस के साथ प्लस का माइनस के साथ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा राइट। यहां से जो होगा वो डिस्ट्रक्टिव रहेगा साई ए माइनस साई बी, और यहां से जो होगा वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा साई मतलब एडिशन ओवरलैपिंग होगा। इस केस में एक दूसरे से रिपेल करेगा या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा? यस, इस तरीके से ओवरलैपिंग हुआ और यहां से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? लैटरल ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता है, सिग्मा नहीं बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से, कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड राइट। यस, अब आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं डायरेक्ट आ जाएगा कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग में ये जो ओवरलैपिंग हुआ उसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ नोडल प्लेन, इस ओवरलैपिंग में आफ्टर पाई बॉन्ड का हाउ मेनी नोडल प्लेन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एडिशन ओवरलैपिंग? यस यस ए वन राइट, दिस वन ना। बट स्टूडेंट ये जो नोडल प्लेन है या ओवरलैपिंग के वजह से हुआ या पहले से था? सर पहले से खुद का पड़ गया, पहले से ही था राइट। हाफ ऑफ द पाई क्लाउड ऊपर हाफ ऑफ द पाई क्लाउड नीचे, इसका मतलब यहां जो ड्यू टू ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड पाई क्लाउड का नोडल प्लेन नहीं बना राइट। ये खुद का उसका ऐसा प्रॉपर्टी था, ऐसा स्ट्रक्चर था, ऐसा सेप था, उसके वजह से खुद के पहले से ही नोडल प्लेन लग रहा था, बाद में वो नोडल प्लेन बना राइट। इसका मतलब इस एक क्वेश्चन आ जाएगा भाई नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पाई पीपी में कितना होगा इक्वल टू वन, और इज दिस इज द नोडल प्लेन नॉट ड्यू टू द ओवरलैपिंग, इस प्रोसेस वजह से नहीं हुआ है। अब यहां पे क्या होगा, ये एक इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, चार पत्ती का फ्लावर देखे हैं? यस, आपने तो कि ए इधर आ जाएगा, ए इधर चला जाएगा, वेरी गुड, यही क्वेश्चन आया हुआ है 200% गारंटी 17 से 20 के बीच में। यहां देखिए इसको क्या बोलेगा पाई या पाई स्टार, इस पाई स्टार में कितना मॉडल प्लेन? दो राइट। कितना बढ़िया क्वेश्चन सोच के सेट किया राइट, जीरो जीरो करेक्ट। इसका मतलब नंबर ऑफ नोडल प्लेन भाई बढ़िया से नहीं पढ़ के जाइएगा तो आसान क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, भाई आसान नहीं है, इसको डेप्थ का कॉन्सेप्ट मैं बोलता हूं। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पाई स्टार ड्यू टू पी एन पी करेक्ट इक्वल टू टू, तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू ओवर, अब इसी में अगर कोई बहुत डेप्थ का सेट करना चाहेगा ड्यू टू ओवरलैपिंग कितना बना, एक बना था राइट, टोटल टू है, बट ये तो पहले से ही लेकर आ रहा है ना, ये ओवरलैपिंग की वजह से बना था या ओवरलैपिंग की वजह से ये बना, तब क्वेश्चन पूछने का तरीका टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन पाई स्टार ड्यू टू पी एन पी क्या बोलिएगा, दो राइट, आंसर इज व्हाट टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ नोडल प्लेन ड्यू टू ओवरलैपिंग, तब आंसर क्या रहेगा, वन। तो जेई मेन ऑलरेडी आ चुका है तो नीट में आने का चांस है, इसको ध्यान से देख लेना ठीक है ना। हाँ बिल्कुल होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा राइट, एक्चुअली यहां तो ऐसे रहा ना, दिखाने का तरीका ऐसे रहता है, ऐसे दिखाना चाहिए ठीक है, कहीं कहीं ऐसे रहता है कहीं पे ऐसे।
चलिए तो इतना तो समझ में आ गया कि एस एस ओवरलैपिंग में सिग्मा बनेगा और सिग्मा स्टार बनेगा, एस ऑफ पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा सिग्मा स्टार बनेगा, पी ऑफ पी ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा और पाई बनेगा, राइट? चलिए अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे यहां देखना है, सपोज कीजिए कि आपसे कोई पूछेगा सी एल सी एल और बी आर बी आर, दोनों तो सीमा बॉन्ड एक ही है, राइट? सिंगल बॉन्ड है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर दोनों में तो एक ही है, अब फिर बोलेंगे किसका, तो बॉन्ड ऑर्डर वन है, तो बॉन्ड ऑर्डर वन है फिर भी किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, क्या यहां पे बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से आप आंसर दे पाएंगे बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है कम है? नहीं दे पाएंगे भाई, दोनों में तो बॉन्ड ऑर्डर वन है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, एमोनियम पढ़ेंगे राइट, बट वहां पे क्या कीजिएगा, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा तो वहां पे टाइप ऑफ ओवरलैपिंग दिखिएगा, यहां पे किसके वजह से ओवरलैपिंग हो रहा है, सी पी थ्री पी, राइट? इसका थ्री पी इसका भी थ्री पी, ये राइट ना? और ब्रोमीन में हो रहा है फोर पी फोर पी, तो बोलिए किसका और वाइटल बड़ा रहेगा, आपको नहीं लगता कि सिचुएशन अगर इसका कंसीडर करेंगे तो जस्ट लाइक ऐसा दिखेगा, ब्रोमीन का कंसीडर करेंगे तो जस्ट लाइक ऐसा दिखेगा, थोड़ा बड़ा पी रहेगा, फोर का पी है, तो इसका बॉन्ड लेंथ और इसका बॉन्ड लेंथ, सर इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इसका बॉन्ड लेंथ कम है, इसका मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा, ये राइट? ओके, इसका मतलब है सर कि इसमें और बॉन्ड बन किसे रहा है, बॉन्ड बन रहा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ड्यू टू ओवरलैपिंग, इसका मतलब सर इसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, राइट? तभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका मतलब जो न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा रहेगा, जो न्यूक्लियस से दूर रहेगा उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम रहेगा, राइट? इसका पहला पॉइंट, इफ द एटॉमिक और वाइटल हैविंग डिफरेंट ऑर्बिट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ एटॉमिक और वाइटल हैविंग डिफरेंट ऑर्बिट नंबर देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान सुनना है और लिखना है, इफ द एटॉमिक और वाइटल हैविंग डिफरेंट ऑर्बिट नंबर, यहां तक लिखिए स्टूडेंट, Then extent of overlapping depends on closeness of the atomic orbital. Then extent of overlapping depends on
क्लोजनेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन क्लोजनेस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस, इज राइट। इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट ऑर्बिट नंबर वन और ऑर्बिट नंबर वन का ऑर्बिटल जो आपस में ओवरलैप करेगा उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिट नंबर वन और ऑर्बिट नंबर टू का ओवरलैपिंग होगा उससे ज्यादा रहेगा, और ऑर्बिट नंबर टू और ऑर्बिट नंबर टू का जो ओवरलैपिंग रहेगा उससे ए ज्यादा रहेगा, और ऑर्बिट नंबर टू ऑर्बिट नंबर थ्री का जो ओवरलैपिंग होगा। आप समझ पा रहे मैंने क्या समझाया? तो सबसे पहले प्राइम पॉइंट क्या है? क्लोजनेस विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियस, करेक्ट है एवरीवन। इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा वनेस वनेस का ओवरलैपिंग से जो सीमा बॉन्ड बनेगा और वनेस टूएस का ओवरलैपिंग से जो सीमा बॉन्ड बनेगा या टूएस टूएस का ओवरलैपिंग से जो सीमा बॉन्ड बनेगा या 2s 3s का ओवरलैपिंग से जो सीमा बॉन्ड बनेगा या 3s 3s के ओवरलैपिंग से जो सीमा बॉन्ड, तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा? समथिंग लाइक दैट, राइट। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, लेकिन इफ बॉन्ड ऑर्डर इज कॉन्स्टेंट, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो वहां पे आपके पास एक ही उपाय बचता है, करेक्ट एवरीवन। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो उस केस में आपके पास कोई उपाय नहीं बचा, करेक्ट। चलिए अब कोई पूछेगा 1s 2p, करेक्ट, और 2s 2s, तो किसका किसका ओवरलैपिंग ज्यादा, किसके वजह से ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा? तो सबसे पहले ऑर्बिट नंबर देखना है, राइट। छोटे ऑर्बिट का बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, टाइटली बॉन्डेड रहेगा, करेक्ट ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलिए यहां तक हो जाएगा, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं, इसको केयर कीजिए। मैंने क्या डिफिनेशन डिफिनेशन पढ़िए, डिफिनेशन पढ़िए तो साथ मैंने क्या लिखवाया है, लिखना नहीं सब कुछ समझ कर भी लिखना है। डिफरेंट ऑर्बिट नंबर रहेगा तो हम लोग सबसे पहले किसको केयर करेंगे, आगे पढ़िए। यस, क्लोजेस का मतलब जिसका ऑर्बिट नंबर छोटा रहेगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, इज राइट। यहां देखिए दोनों में कॉमन क्या है, टू यहां पे ऑर्बिट नंबर वन और टू है, राइट, इसका वन इसका टू, इसमें ऑर्बिट नंबर क्या है, टू और टू, देखिए तो वन और टू और टू और टू में किसका मैंने ज्यादा दिया है, इसमें कोई मैंने एस पी डी बोला था या जनरल बात बोल दिया, तो जनरल है तो इसमें आप देखिए वन टू और टू टू में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्या दोनों ओवरलैपिंग में ऑर्बिट नंबर सेम है, नहीं है तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा रहेगा, करेक्ट। तो जहां पे एक मिनट, जहां पे ऑर्बिट नंबर सेम रहेगा वहां पे इस सीक्वेंस को फॉलो करके आंसर देना है, दिस इज द की पॉइंट, राइट। बोलिए बॉन्ड ऑर्डर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, जब सब देखिए टीचर जब पढ़ाते हैं साथ साथ सुनना है कहां पे क्या लिखे बोल क्या रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल कंफ्यूजन आपको कब होगा इस टाइप का चीजों का हेल्प, आई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, दो तीन बार आया हुआ है आपके लिए,
तो एक्चुअल में आपका कंफ्यूजन तब होगा जब बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा और एमओटी में तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, ये हम लोग पढ़ के रेडी रहते हैं। बट वहां पे क्या कीजिएगा, जहां पे बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा तब इस टाइप का चीजें आपको हेल्प करेगा, राइट। तो यहां तक हो गया ना, इसका मतलब है कि सबसे पहले इसका क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है ऑर्बिट नंबर का, करेक्ट। इफ और बी, अब सेकेंड केस, इफ और बी नंबर नंबर आर सेम, देन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग depends on area of contact between the orbitals। मैं समझा रहा हूँ, पहले सुनिए। दो स्फीयर के बीच, दो स्फीयर को अगर टच कराते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, और दो लाइन को अगर टच कराते हैं तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा मिलेगा भाई। लाइन पे, लाइन को अगर कॉन्टैक्ट कराते हैं तो इनफाइनाइट नंबर पॉइंट पे टच है, राइट। अगर टू रिजिड स्फीयर को टच कराते हैं तो सिंगल पॉइंट, अगर रिजिड स्फीयर है तो सिंगल पॉइंट पे रहेगा, राइट। लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबल स्फीयर रहेगा, इसको प्रेस किया जा सकता है, तो हो सकता है कि मोर देन वन बहुत सारा पॉइंट पे टच कर सकता है, बट लाइन के रिस्पेक्ट में तो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कम रहेगा। इसका मतलब है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एस और एस में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग और पी में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, पी और वाइटल का शेप ऑलमोस्ट लीनियर है, राइट डंबल, और एस का शेप क्या स्फेरिकल है। तो एस और पी का ओवरलैपिंग में किसका ओवरलैपिंग ज्यादा होना चाहिए, पी और पी का ओवरलैपिंग एस और एस से ज्यादा रहेगा, करेक्ट। यस, इसमें ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि सर इसमें इसका शेप लाइन के जैसा है, लीनियर जैसा है, इसका स्फेरिकल है। लेकिन एस और पी का करेंगे तो एस और पी का ओवरलैपिंग, तो सर एस और पी का करेंगे तो इसके यहां से P और P से थोड़ा कम रहेगा, लेकिन S और S से थोड़ा ज्यादा रहेगा, करेक्ट ना। तो इसमें थोड़ा लाइन का कैरेक्टर आ गया है, दैट्स व्हाई अगर ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग P और P ग्रेटर देन S और P ग्रेटर देन S और S, करेक्ट एवरीवन। लेकिन ये बात हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब ऑर्बिट नंबर कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो सबसे प्राइम पॉइंट क्या देखना है, पहले एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट देख लेना है या पहले ऑर्बिट नंबर देखना है, पहले पहला पॉइंट, राइट। एक इसका ऑर्डर है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का, करेक्ट ना।
क्वेश्चन नहीं छूटेगा जब 200% आ रही है। बढ़िया से खाली ध्यान देने पड़ते हैं, जो टॉपिक कवर कर रहे हैं कोशिश यही कर रहा हूँ। और जो असाइनमेंट भेजा है उसको टाइम निकाल के बना लीजिएगा, जो असाइनमेंट भेजा है उसी के अकॉर्डिंग में आप थ्योरी डील कराओ, ठीक है ना। तीन टॉपिक का मैंने असाइनमेंट भेजा है तो तीन टॉपिक का मोटा मोटी कोशिश करें थ्योरी डील कर रहे हैं। MOT का होगा, फिर VBT का होगा और उसमें हडसन होगा, एक साथ होगा, राइट। असाइनमेंट भेजा गया है ना, हडसन का, MOT का, ओके। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का ऑर्डर क्या होगा, काइंड ऑफ, और जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसी में होगा, तो भाई आंसर देने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा ऑर्बिट नंबर का। यहाँ पे 2-2 है, यहाँ भी 2-2 है, यहाँ पे 2-2 है, राइट। ऐसे ही फटाक से नहीं, अगर ये वाला चीज सेम रहेगा ना ऑर्बिट नंबर, तब हम लोग सेकेंड केस पे आएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर सब में तो 2-2 ही है, तब यहाँ पे ए ऑर्डर रहेगा, करेक्ट। लेकिन अगर ऐसा एग्जांपल मिलेगा शायद में हम लोग को, ठीक है, अगर ये रहेगा 2s 2s, करेक्ट, और 2s 3p रहेगा, तब क्या कीजिएगा। देखिए तो यहां तो s और p का ज्यादा था, s और s से, अब किसका ज्यादा होगा, देखिए। नहीं भाई, यहां देखिए बात आप तो इस बात समझा रहे हैं कि सबसे पहले ऑर्बिट नंबर चेक करना है, ऑर्बिट नंबर का डिस्टेंस नहीं रहेगा तब जाइएगा वहां पे एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। इसमें ऑर्बिट नंबर 2-2, बट इसमें ऑर्बिट नंबर 2 और 3, राइट। तो अपने तक इसका ऑर्बिट नंबर तो बड़ा हो गया, तो इस केस में इसका ऑर्बिट ज्यादा रहेगा, करेक्ट ना। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं भाई, ज्यादा इंपॉर्टेंस किस पॉइंट को देना है, सेकेंड वाला पॉइंट को या फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑर्बिट नंबर, राइट। इफ ऑर्बिट नंबर आर सेम, इफ पेयर ऑफ ऑर्बिट नंबर आर सेम, देन वी कॉन्सेंट्रेट ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, करेक्ट। इन सब का एक साथ ऑर्डर होता है, मिक्स कर दीजिए, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, टू एस होती है सामने,
सिद्धांत है तो नहीं लगना चाहिए, सबसे पहले ऑर्बिट नंबर देखना है, राइट। वन एस वन एस, उसके बाद वेरी गुड टू पी टू पी, उसके बाद वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद टू एस राइट, उसके बाद टू एस टू एस वाल में कंफ्यूज रहा हूं, क्या बोला टू एस टू एस वाल, टू एस थ्री एस, उसके बाद थ्री थ्री, वेरी गुड, उसके बाद बिल्कुल एक्सेलेंट। सर आप कितना भी मिक्स करके देगा इससे ज्यादा मिक्स नहीं करेगा, राइट। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट में आज से 10 दिन पहले या 1 वीक पहले किसी चीज को एक्सट्रैक्शन को और लैपिंग कैसे देखते हैं, तो अगर वो प्रोजेक्ट होगा तो उनको समझ में आ गया होगा कैसे रहते हैं, राइट, हो जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी when the nucleus of two atom come close to each other, when the nucleus of two atom come close to each other, their atomic or vital interact result in the formation of molecular or vital. एक बार फिर से बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी when nucleus of two atom come close to each other their atomic or vital interact का मतलब ओवरलैपिंग करेगा, और दो ही टाइप का ओवरलैपिंग होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट, इंट्रैक्ट एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर और वाइटल and resulting in the formation of molecular or vital, correct। second point likhega, after overlapping of atomic or vital in a molecule, after overlapping of atomic or vital of atom in a molecule, comma,
एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली लॉस्ट देयर आइडेंटिटी मतलब देखिए सिंपल सा बात है कि एटम कंबाइन हो गया तो वो एटम रहा ही नहीं, मॉलिक्यूल बन गया। तो ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप कर गया तो अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल लगा के वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, इज राइट। ये सिंपल सा बात है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया और वाटर बन गया, तो उसमें फिर हाइड्रोजन का कैरेक्टर नहीं है, वह एक अलग चीज फील बन गया जिसका नाम वाटर है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर ओवरलैपिंग, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर ओवरलैपिंग। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उतना ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, ये राइट। नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल यहां देखिएगा इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर ओवरलैपिंग, इज राइट। ठीक है ना, ये हो गया। यहां तक आ जाइए, क्लियर ना एवरीवन, ओके। और यहां पे जो बनेगा इसमें हाफ ऑफ देम क्या रहेगा, जितना मॉलिक्यूलर वाइटल बनेगा उसमें हाफ ऑफ देम क्या रहेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल, और हाफ ऑफ देम क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाइटल, इज राइट। इसका मतलब हाफ ऑफ देम आर बॉन्डिंग and half of them are antibonded, right? याद है किसी को डाउट? चलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे कैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल को ये रिप्रेजेंट करते हैं, px py करते हैं ना रिप्रेजेंट, pz dx / dy समथिंग लाइक दैट, राइट। तो जिस तरीके से एटॉमिक और वाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग s p d इन सब का यूज करते हैं, s px py pz समथिंग लाइक दैट, वैसे ही मॉलिक्यूलर और वाइटल्स को भी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नाम दिया गया है। तो मॉलिक्यूलर और वाइटल नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल
आर रिप्रेजेंटेड बाय, आप तो पढ़ गया है ना किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा पाई और डेल से, राइट। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से पाई से और डेल से। हम लोग का यहां तक ही काम चल जाएगा, यहां तक जाने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, करेक्ट। सिग्मा जो रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पाई जो रहेगा वो पाई बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट। चलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार पाई स्टार एंड डेल स्टार, इज इट राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, बोली तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको मैं एनबी से इंडिकेट करूंगा, करेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर कॉल्ड, बोलिए क्या बोलते हैं इसको, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एनए से, करेक्ट। याद है किसको प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम है, वेरी गुड। अब यहां पे एक चीज जो समझा रहे हैं इसको देखिए, इसको लिखना नहीं है जस्ट समझाने के लिए। मान लीजिए कि स्टूडेंट की दो हाइड्रोजन एटम, लेट अस सपोज अगर दो टू हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आ रहा है, फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे क्लोज आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सर चार टाइप का फोर्स रहेगा, इसका न्यूक्लियस रिपल्शन का, करेक्ट, इसका न्यूक्लियस पास आ रहा है, बट न्यूक्लियस भी उसे रिपल्शन करेगा, भाई हाँ ना बोलना है, बड़ा बहुत बड़ा समस्या है आप लोग सर, मतलब परमानेंटली फ्यूज का क्या करते हैं, हाँ ना कुछ बोलिए तब तो स्टोरी सुनने में मजा लगेगा, राइट। इसका न्यूक्लियस रिपल्शन, इसका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इसका ए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, इसका मतलब कोई भी बॉन्ड फॉर्म होता है, दो एटम का बॉन्ड बनाने के लिए आता है, तो यार फोर टाइप ऑफ फोर्स आर ऑपरेटिंग, दो रिपल्सन का, दो अट्रैक्शन का, रिपल्सन का किसका, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, राइट। और इसका न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, करेक्ट, इसका इलेक्ट्रॉन इसका न्यूक्लियस, करेक्ट। और भाई फिर भी अगर बॉन्ड बना लिया, फिर भी बॉन्ड बन गया, इसका मतलब रिपल्सन, रिपल्सन अगर किसी से आपको है तो आप उसके पास नहीं जाएंगे, करेक्ट, तो बड़ा अननेचुरल बात होगा ना कि रिपल्सन है फिर भी फ्रेंडशिप का है, ऐसा नहीं हो सकता है नेचुरली, अब अगर हुआ तो बहुत दिन तक नहीं रहेगा। तो लेट अस सपोज कि अगर यहां पे फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, मतलब क्या है सर, इसका मतलब कि अट्रैक्शन का फोर्स रिपल्सन पे डोमिनेंट है, राइट। इट मींस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर देन फोर्स ऑफ रिपल्सन, इज इट राइट। दो दो ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर हो गया, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ ऑपरेटिंग, फोर, दो रिपल्सन का, दो अट्रैक्शन का, एंड अट्रैक्शन मोर देन रिपल्सन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, इज इट राइट। भाई जब बॉन्ड बन रहा है तो अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा विद रिस्पेक्ट टू रिपल्सन, एंड वी नो दैट अट्रैक्शन इंक्रीजे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, करेक्ट। अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो मतलब तुरंत लीजिए पोटेंशियल कम होता है, करेक्ट, और रिपल्सन इंक्रीजे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजे। यहां तक समझ में आ गया, और नहीं समझ में आ गया तो फंडामेंटली रख लीजिएगा, ठीक है, ऐसा होता है।
इसको इलेक्ट्रोस्टेटिक में आप प्रूफ कर सकते हैं दो चार्ज पार्टिकल लेकर। एनीवे बोलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल में बॉन्ड डिस्ट्रक्ट होता है या कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है या टूटता है? बनता है, इसका मतलब अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा रिपल्सर्स, राइट? इसका मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल के केस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल जो रहेगा वो अपने एटॉमिक जिससे बना है वो अपने एटॉमिक और वाइटल के रिस्पेक्ट में एनर्जी लेवल में कम रहेगा। सर कम क्यों रहेगा? क्योंकि एनर्जी रिलीज होगा राइट सिस्टम से, करेक्ट ना? लेकिन एम्प्टी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल बॉन्ड को बनाता है, फॉर्म करता है या डिस्ट्रक्ट करता है? इसका मतलब है कि रिपल्सन ज्यादा हो जाता होगा राइट अट्रैक्शन से। इसका मतलब एम्प्टी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल का एनर्जी लेवल अपने खुद के और एटॉमिक और वाइटल जिससे बना है उससे ज्यादा रहेगा राइट। मैं लिखा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल लेस देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक और वाइटल, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे बना है ये मॉलिक्यूल वाइटल राइट। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हुआ, तो बोलना है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल केस में बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, अट्रैक्शन ज्यादा था, अट्रैक्शन ज्यादा था तो एनर्जी या आपस में ओवरलैप कर रहा था तो एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रहा था। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक अगर बॉन्ड कंस्ट्रक्ट हुआ है तो राइट। देखो सही मैंने लिखा, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटॉमिक और वाइटल, करेक्ट है एवरीवन? यहां पर इसको लिख लीजिएगा। अरे 11th क्लास में जो मैं पाया ना, 11th क्लास में बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है स्कूल में टीचर का, ड्रॉ द एनर्जी डायग्राम ऑफ बॉन्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और वाइटल, मतलब एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करने के आता था। अब इसका एक एग्जांपल है, यहां देखो ओवानेस और ओवानेस इसको ओवरलैपिंग के लेके जा रहे हैं, ए का ओवानेस और बी का ओवानेस, कितना एटॉमिक और वाइटल आपने ओवरलैपिंग के लेके गया? दो। तो मॉलिक्यूलर और वाइटल भी कितना बनेगा स्टूडेंट? इसका मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मॉलिक्यूलर और वाइटल के वेव फंक्शन को ऐसे ए बी से दिखाएंगे, और ए इसके लिए दिस इक्वल टू क्या होना है सर? दो होगा, प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा राइट, इसलिए प्लस माइनस दिया हुआ था। इसका मतलब एक तो रहेगा दो बनना है, एक का नाम रहेगा सिग्मा वन एस वन एस और दूसरा का नाम क्या रहेगा सिग्मा स्टार वन एस एस, क्या मैंने सही बोला? और अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट सिग्मा वन एस का एनर्जी लेवल वन एस से ज्यादा रहेगा या कम हो जाएगा? देखिए तो इसका कम रहेगा ना, ये मॉलिक्यूलर और वाइटल है राइट, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाइटल है करेक्ट ना? अरे क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर वाइटल, इसका ज्यादा रहेगा इसका कम रहेगा ये राइट। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि इसी को अगर इनर्जी डायग्राम पे अगर दिखाना हो तो ऐसे हम लोग दिखाते हैं, एटम ए का वन एस और एटम बी का वन एस, ये है ए और ये है बी करेक्ट,
और दोनों का वन एस वन एस एंटीजन सेम है, लेकिन जब कंबाइंड होगा तो दो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसमें एक रहेगा बॉन्डिंग एक रहेगा एंटी बॉन्डिंग, करेक्ट। एंटी बॉन्डिंग वाले का एनर्जी लेवल ऊपर चला जाएगा और बॉन्डिंग का एनर्जी लेवल कम नीचे आ जाएगा, तो यह रहेगा सिग्मा वन एस सिग्मा डी टू वन एस वन एस, ये रहेगा सिग्मा स्टार डी टू वन एस वन एस, इसी को ऐसे दिखाते हैं, करेक्ट ना। तो सिग्मा स्टार का इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा हो गया, सिग्मा का इसके रिस्पेक्ट में कम हो गया, उसी बात को मैंने वहां पर बताया। अब आप इसको प्रॉपर बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि इस केस में बॉन्ड बन रहा था, बॉन्ड बनने में अट्रैक्शन ज्यादा रहता था, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा रिपल्शन से तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो जो बनेगा उसका एनर्जी लेवल कम रहेगा, बट इसमें रिपल्शन ज्यादा रहता है अट्रैक्शन, राइट, तो इसका एनर्जी बढ़ जाएगा, करेक्ट है भाई। सब आप देखे भी होंगे, आप पोटेशियम कंपाउंड पढ़े हैं आप लोग, थोड़ा तो पक्का पढ़े होंगे, और मैं तो बहुत जेस्ट पढ़ाया हूँ ट्वेल्थ बच्चों को, तो उसमें थ्योरी था सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, राइट, जिसमें स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होता था, आने से वो ब्रेक करके ऊपर नीचे हो जाता था, राइट। तो ये समझ में आ गया कि ऐसा क्यों दिखाया रहता है, रटने वाला था या समझने वाला था, रटने वाला था, बहुत आसान था समझने वाला था। अब आप में से कोई बता सकता है कि पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, पॉली ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था बताइए तो, अभी नहीं बोलना है कि सर पॉली वाज ग्रेट साइंटिस्ट, कुछ तो कॉन्सेप्ट दिए थे, क्या देते पॉली का क्या बात होगी भाई, जो मुझसे कमजोर होगा जो कल मुझसे पढ़ा हो तो बता दो, पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था कि किसी भी एटम में दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम टाइप का नहीं हो सकता है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, हर एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है, राइट, किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर इक्वल नहीं हो सकता है, राइट। इसका मतलब पॉली ने बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में सेम ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, मैक्सिमम दो हो सकता है, दोनों का स्पिन जस्ट अपोजिट रहेगा, दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय पॉली, राइट। मॉलिक्यूल एटॉमिक और मान लेते हैं 3p, करेक्ट स्टूडेंट, तो 3p है बोलते हैं 3p सबसे में तीन बॉक्स होता है ना, और ईच बॉक्स रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल, राइट, ईच बॉक्स रिप्रेजेंट वन ऑर्बिटल, वैसे ही आप बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेट अस सपोज, तो मॉलिक्यूलर और ये जो मैंने दिखाया ये एक बॉक्स दिखा रहे हैं, राइट, जैसे यहां पर कैसे आपने एक बॉक्स दिखाया, ये वन ऑर्बिटल है, बस डिफरेंस है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट, इसमें भी मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आल्सो ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन ही डाल सकते हैं वन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उसका स्पिन जस्ट अपोजिट रहेगा, इज राइट, यस। अब एक मिनट यहां देखिए स्टूडेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप एक नाम एक रूल सुने हैं, हुंस रूल, ये अगर मेरे पास 3p है सब पढ़ा देंगे, ठीक है टाइम, और 3p सबसेल है और मेरे हाथ में तीन ही इलेक्ट्रॉन है, तो हुंस ने इस पूरे सारे इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए क्या रूल दिया था, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है विद पैरेलल स्पिन, राइट, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल अगर आपके पास इनसफिशियंट इलेक्ट्रॉन, इन तीन बॉक्स को मिलाकर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं,
और अगर आपके पास इनसफिशियंट इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन विद पैनल स्पिन, तो ए ज्यादा करेक्ट है या ए ज्यादा करेक्ट है अकॉर्डिंग टू होम्स? ए ज्यादा, बोथ आर इक्वली करेक्ट राइट, वो उनका डिस्कशन में था पैरल स्पिन, उन्होंने यदि बोला ऊपर का स्पिन नीचे का स्पिन, बस पैरल होना चाहिए, पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर करा तो बाकी सब ऊपर करा, पहला इलेक्ट्रॉन नीचे करा तो बाकी सब नीचे करा, राइट ओके। तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि मेरे पास यहां देखना है भाई, सबको ध्यान देकर मान लेते हैं कि मेरे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है ना, और वैसा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसका एनर्जी लेवल सेम है, बोथ हैविंग सेम एनर्जी लेवल, ध्यान सुनिएगा, और जिनका एनर्जी लेवल सेम रखा है उसको बोलते हैं डी जनरेट राइट, करेक्ट है एवरीवन? तो डी जनरेट अगर मॉलिक्यूलर और वाइटल है और मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, क्या करना है? तो यहां भी हुम्स को ही फॉलो करना है, एक ही में पहले पेयरिंग कर रहे हैं या पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन राइट, विद पैरेलल स्पिन करेक्ट ना, वेरी गुड। तो ये तो हुम्स का हो गया ओके, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी ओबे पॉलिश रूल प्रिंसिपल ऑल्सो ओबे हुम्स रूल राइट। अब यहां देखिए एक प्रिंसिपल पढ़े हाफ पाव, हाफ पाव कौन थे, ऐसा मत पूछ लिया कि हाफ पाव वाज ग्रेट साइंटिस्ट, हाफ पाव एक टर्म है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है, ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल तो पॉली वाज ग्रेट साइंटिस्ट, हाफ पाव इज ऑल्सो ग्रेट साइंटिस्ट, नॉट लाइक दैट। एनीवे तो इसका मतलब होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़े थे, इसका मतलब क्या था कि सर इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल में जाता है राइट, वहां भरने के बाद फिर सेकेंड लोएस्ट में जाता है, वहां भरने के बाद थर्ड लोएस्ट में जाता है एंड सो ऑन राइट, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हाफ पाव राइट। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल में किस ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम रहेगा और किसका ज्यादा रहेगा उसके लिए हम लोग एक अलग से n प्लस l रूल निकालते हैं, याद है आप लोग को, जो एनर्जी ऑफ सबसे डिसाइड करेगा, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, लेकिन n प्लस l के जैसा कोई रूल नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो भी एनर्जी लेवल डिसाइड किया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वो एक्सपेरिमेंटल है, इसको हम लोग को एक्सपेरिमेंटली जो दिया जाएगा मैं ऑर्डर दूंगा, अब मुझे सर ये कहां से आया, मेरा आंसर है एक्सपेरिमेंटल, इसको आपको रट्टा मानना पड़ेगा ठीक है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आल्सो हैव अ आल्फा प्रिंसिपल, आल्फा प्रिंसिपल का मतलब है कि इसमें भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा, उसका सेकेंड लोएस्ट में, उसका थर्ड लोएस्ट एंड सो ऑन। सर वहां पे क्या कीजिएगा जहां पे और वाइटल्स का एनर्जी लेवल सेम रहेगा डीजनरेट, तो वहां पे हुम्स रूल को हम लोग ध्यान रखेंगे राइट। चलिए नेक्स्ट वन लिखे मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी ऑल्सो ओवे, और मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी ओवे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कॉमा हुम्स रूल एंड ऑल्सो ओवे हाफ पाव प्रिंसिपल, एंड ऑल्सो ओवे हाफ पाव प्रिंसिपल। ठीक है एवरीवन,
हो गया। इन मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी फॉर कंपैरिजन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ और वाइटल्स इन मॉलिक्यूलर और वाइटल थ्योरी फॉर कंपैरिजन ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ और वाइटल्स इज टोटली एक्सपेरिमेंटल is totally experimental comma there is no rule like n plus l rule there is no rule like n plus l rule as in case of atomic orbital जैसे एटॉमिक और वाइटल में एन प्लस एल था वैसा कोई रूल यहाँ पे नहीं है। जो भी हम लोग ऑर्डर देंगे एनर्जी लेवल का वो टोटली क्या रहेगा एक्सपेरिमेंटल रहेगा। करेक्ट देयर इज नो रूल लाइक एन प्लस एल रूल लाइक यहां देख लीजिएगा यहां देखिए तो अगली केमिकल और आयनिक आपके एग्जाम में बैठने से पहले मैं कवर कर दूंगा ठीक है। और इधर और इसमें धराई नहीं रेजिमेंट्स का भी बहुत सारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जीओसी पार्ट का मैं ले लूंगा मतलब आई विल ट्राई टू मैक्सिमम जितना हो सकता है ठीक है। बोलिए हुआ क्या था कि प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का ये इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा रिपेल करेगा तो ये दोनों इधर चला जाएगा इधर इधर आ जाएगा राइट। तो समथिंग लाइक दिस वही मैं बताया कि चार पत्ती का फ्लावर राइट ऐसा लगेगा लुक्स लाइक। तो भाई यहां पे तो नोडल प्लेन बन गया ए नोडल प्लेन तो क्यों बना ड्यू टू ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग की वजह से ऐसा हुआ बट ए को एक नोडल प्लेन तो खुद के साथ लेकर आ रहा था ना वाला then how many nodal plane there are two nodal plane right yahi actually jain ka question tha ki how many nodal plane in case of pi star due to pp right there are two nodal plane ek this one and this one main kar raha hu dekho lo yes form hone ke baad to molecular orbital rahega pi star mein puch rahe hain right to pi orbital kab banega pi orbital kab bolenge banne se pehle ya banne ke baad बनने के बाद तो एक्चुअली यार वो लोग क्वेश्चन कहां से वो लोग इतना डेप्थ से ओवरलैपिंग तो हम लोग क्या करते हैं जैसे देखिए एमओटी में मुझे पता है एमओटी में 5 मिनट भी पढ़ो 10 मिनट मुझे टाइम दिया मैं खत्म कर सकता हूं और ऐसा ट्रिक होगा कुछ क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा लेकिन उसमें 80% बनना पड़ेगा 20 जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तो बन जाएगा स्टेबिलिटी का भी बन जाएगा इस टाइम क्वेश्चन छूट जाता है और लोग इस टाइप से भी इतना डेप्थ में पूछ लेते हैं अब आपसे बन सकता है कुछ ठीक है। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि कल का क्लास शायद लास्ट क्लास ही मोटी का रहेगा ठीक है लेकिन सफिशियंट प्रैक्टिस करवा देंगे जैसे हर्षद में करवाए थे मुझे अगर कॉन्फिडेंस आ गया कितना क्लास आपसे बन जाएगा तभी खत्म करवा लीजिए क्लास और है कोई बात नहीं है ओके थैंक यू
थैंक यू सर।